अभी एक साल पहले ही लैपटॉप्स इतने सस्ते थे ना, लेकिन अब ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसीलिए मेरे हिसाब से 30,000 से 40,000 की जो रेंज है ना, ये सबसे परफेक्ट प्राइस रेंज है अगर लैपटॉप 3-4 साल चलाना है तो। मैंने अपना फर्स्ट लैपटॉप 2005 में लिया था, तब से अभी तक लगभग हर ब्रांड के लैपटॉप्स में यूज़ कर चुका हूँ और अब इतना तो पता लग गया है कि कौन सा ब्रांड किस चीज़ में बढ़िया रहता है। वैसे आजकल लैपटॉप्स के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, खास करके वर्क फ्रॉम होम आने के बाद, तो सस्ते लैपटॉप से पैसे वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप बार बार लिया नहीं जाता। इस वीडियो में मैं बताऊंगा बेस्ट बजट लैपटॉप्स और ये भी कि किन लोगों को इनमें से कौन सा लैपटॉप चूज़ करना चाहिए। तो जमे रहिए, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर मिलेगी। अब 40,000 खर्च नहीं है तो दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो मिनिमम 8GB रैम होनी चाहिए और दूसरा कम से कम i3 प्रोसेसर तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम लोग प्रोसेसर तो बढ़िया ले लेते हैं जैसे कि इंटेल i3 या i5, लेकिन उसके साथ 4GB रैम मॉडल लेके पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मैंने भी किए हैं, पर एक साल बाद लैपटॉप स्लो हो जाता है, तो फॉर्मेट करते रहो या फिर लैपटॉप में रैम अपग्रेड करो। देखो, सिंपल सी बात है, 4GB रैम तो अब मोबाइल फोन्स में ही कॉमन हो गया है, तो लैपटॉप में कैसे काम चलेगा? माना कि विंडोज 10 काफी लाइटवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 11 तो और भी ऑप्टिमाइज होने वाला है, लेकिन बंदा तो प्रो बनता जा रहा है ना, फालतू टाइम किसके पास है? हमें तो रिस्पॉन्सिव लैपटॉप चाहिए और अब तो सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD भी उतनी ही जरूरी हो गई है अगर मोबाइल वाली स्पीड लैपटॉप में चाहिए तो। ऐसे ही कुछ काम की चीजों को ध्यान में रख के मैंने ये लिस्ट बनाई है। 5 लैपटॉप्स बताऊंगा दोस्तों, कोई रैंकिंग नहीं है बल्कि सभी एक से बढ़कर एक हैं। तो सबसे पहले है ASUS VivoBook 14 और 15। लेटेस्ट डिजाइन है, बेजल्स कम दिए हैं और 14-15 इंच दोनों मॉडल्स मिल जाते हैं। की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फुल HD डिस्प्ले मिलेगा जो मूवीज देखने के लिए बढ़िया रहता है और अगर हैवी ग्राफिक्स का काम है तो भी ठीक रहेगा। 10th जनरेशन i3 प्रोसेसर मिलता है जिसमें टर्बो बूस्ट 3.4 GHz तक चला जाता है। 8GB DDR4 रैम लगी है, 4-4GB के दो स्लॉट्स मिल जाएंगे, विच इज गुड इफ यू मे लाइक टू अपग्रेड वन रैम इन द फ्यूचर। हाँ, एक ही रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन है क्योंकि टोटल 12GB ही सपोर्ट करता है। साथ में है 128GB SSD विद 1TB हार्ड ड्राइव। चलो, हार्ड डिस्क स्पेस तो मोर देन इनफ है, लेकिन 1TB SATA हार्ड ड्राइव की वजह से बैटरी बैकअप थोड़ा कम हो जाता है, जो कि है 4 घंटे का। बहुत लाइटवेट डिजाइन है, ये जरूरी है दोस्तों, लैब्स पे रख के लंबे टाइम तक काम करना इजी रहता है क्योंकि इसका वेट है सिर्फ 1.6 किलोग्राम्स। फाइनली इसमें सभी पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB-C, एक USB-3, मल्टीपल USB-2 पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट, और क्या चाहिए दोस्तों। और हाँ, माइक्रो SD कार्ड रीडर भी दिया हुआ है। ये मॉडल उनके लिए बेस्ट रहेगा जिनको ज्यादा हार्ड ड्राइव स्पेस चाहिए, अगर डेटा स्टोरेज ज्यादा रहता है तो ये जरूर बाय कीजिएगा। चलिए, अगला लैपटॉप है HP की तरफ से। मुझे ये ब्रांड पर्सनली ज्यादा पसंद है, जैसे मानो इन्हें पता है कस्टमर्स को क्या चाहिए, मच बेटर देन डेल। ये लैपटॉप लेटेस्ट मॉडल है तो स्पेक्स भी बेटर मिल जाते हैं, फुल HD डिस्प्ले विद गुड क्वालिटी कीबोर्ड, इसके अलावा लेटेस्ट 11th जनरेशन i3 प्रोसेसर। मैं हमेशा इंटेल के प्रोसेसर प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू AMD, क्योंकि इंडियन हॉट एनवायरमेंट में इंटेल ही बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसका प्रोसेसर जरूरत पड़ने पर 4.1 GHz तक बूस्ट हो जाएगा। 8GB DDR4 रैम लगी है जिसके लिए दो स्लॉट्स दिए हैं जिसमें 4-4GB लगी है, पर मजे की बात यह है कि फ्यूचर में 8GB दोनों में अपग्रेड कर सकते हैं, यानी टोटल हो जाएगी 16GB। ज्यादा रैम तभी जरूरी है जब वीडियो एडिटिंग जैसा हैवी काम करने की जरूरत पड़े, नहीं तो 8GB रैम इज मोर देन इनफ, लेकिन अपग्रेडेबल है तो अच्छी बात है। फिर 256GB SSD भी एक एडिड एडवांटेज है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज करनी पड़ेगी ज्यादा डेटा स्टोरेज के लिए। वैसे साटा हार्ड ड्राइव नहीं होने से लैपटॉप का वेट कम हो जाता है, जो कि है सिर्फ 1.46 ग्राम्स, और तो और बैटरी बैकअप भी ज्यादा मिलता है क्योंकि मैकेनिकल साटा हार्ड ड्राइव में मोटर मूवमेंट होती है जिससे बैटरी बैकअप कम हो जाता है। पोर्ट्स सभी लगे हैं, यानी USB-C, मल्टीपल USB-3 पोर्ट्स, एक HDMI और मल्टी SD कार्ड रीडर भी दिया हुआ है। इस लैपटॉप को आंख बंद करके बाय कर लीजिए, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। दोनों 14 और 15 इंचेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना तो बनता है, इससे मुझे आइडिया भी लगता है कि कौन सी वीडियो आपके लिए ज़्यादा बनानी है। अगला लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 15।
डेल के लैपटॉप्स को कस्टमाइज करना इजी रहता है। इसके लिए डेल की वेबसाइट में जाइए और अपने हिसाब से हार्डवेयर कंपोनेंट्स कस्टमाइज कर लीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, डेल के लैपटॉप्स उनकी वेबसाइट पे ही सस्ते मिलते हैं, बाकी सब लैपटॉप्स अमेजोन पे सस्ते मिल जाएंगे। 15 इंच के इस लैपटॉप में मोस्टली सभी स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, जैसे कि फुल HD डिस्प्ले, ड्यूरेबल बिल्ड क्वालिटी, 10th जनरेशन i3 प्रोसेसर मिलता है जिसमें टर्बो बूस्ट 3.4 GHz तक चला जाएगा। सिंगल 8GB DDR4 RAM लगी है, जी हाँ सिंगल स्लॉट ही मिलेगा। 1TB SATA हार्ड ड्राइव के साथ आता है, लेकिन SSD नहीं है। अब क्योंकि डेल के लैपटॉप्स एक्सपेंसिव हैं तो इस प्राइस में SSD मिलना मुश्किल है। एक्चुअली इनके कॉस्ट में आफ्टर सेल सर्विस इंक्लूड होता है, तभी ये सबसे बेस्ट सर्विस दे पाते हैं। इसमें आपको ऑन साइड वारंटी मिलेगी, कुछ खराबी होने पे घर आके ही ठीक करके जाएंगे। पोर्ट्स USB-C छोड़ के सारे हैं, जैसे कि मल्टी SD कार्ड रीडर, दो USB 2 पोर्ट्स, एक USB 3 और एक HDMI पोर्ट। बैटरी बैकअप कम है बस 3 घंटे का, अफकोर्स SATA हार्ड ड्राइव जो लगी है। बाकी ओवरऑल बेस्ट कस्टमर सर्विस और बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो इस लैपटॉप पे इन्वेस्ट करें। अगला लैपटॉप फीचर्स में सबका बाप है, अविटा लाइबर V14। प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ किसी भी और लैपटॉप से ज़्यादा मिलता है। ये ब्रांड इंडिया में अच्छा काम कर रहा है गाइज, 2 साल की ऑनसाइट वारंटी दे रहे हैं। 2 साल टेंशन फ्री चलाओ, घर बैठे ही सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें i5 10th जनरेशन प्रोसेसर दे रहे हैं विद 4.2 GHz टर्बो स्पीड और वो भी 512GB SSD के साथ। इस प्राइस में इसे बीट करना इम्पॉसिबल है दोस्तों। 8GB DDR4 RAM तो है ही, उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट मिलने से सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है और अनलॉक करने के लिए बार बार पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं रहती। इतना कुछ मिलने के बाद भी इसका वेट सबसे कम रखा गया है, जो कि है 1.25 किलोग्राम। ये तो मैकबुक से भी कम है। और मजे की बात, इसमें बैटरी बैकअप 10 घंटे का मिल जाता है, जो फुल डे निकाल देता है आराम से। पोर्ट सारे मिल जाएंगे, जिसमें दो USB 3 हैं, एक USB-C विद PD चार्जिंग, दैट्स ग्रेट, एक HDMI और माइक्रो SD कार्ड रीडर। कमाल का लैपटॉप है, बैकलिट कीबोर्ड भी एक एडिड एडवांटेज रहता है अंधेरे में काम करने के लिए, और टचपैड का साइज भी काफी बड़ा है। स्क्रीन साइज 14 इंच का मुझे परफेक्ट लगा, फुल HD डिस्प्ले भी है तो वीडियोस देखने के लिए बढ़िया रहेगा। ये बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप है गाइज, डील मिस मत कीजिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेस्ट सेलर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। अब आप कहोगे सारे तो महंगे वाले लैपटॉप्स बता दिए, 30,000 वाला लैपटॉप कहाँ है? तो लो भाई एक सस्ता टिकाऊ लैपटॉप भी बता देता हूँ। ये है लाइफ डिजिटल Z Air CX3। इसमें थोड़े आउटडेटेड स्पेक्स हैं, लेकिन काम बढ़िया बन जाएगा। एंड डोंट वरी, i3 प्रोसेसर और 8GB रैम लगी है। इसके अलावा 2TB की हार्ड ड्राइव मिलती है 256GB SSD के साथ, तो डेटा स्टोरेज की टेंशन तो नहीं है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलने वाली है। पोर्ट्स की बात करें तो मिलते हैं USB टाइप सी, दो USB 3 पोर्ट्स और मल्टी SD कार्ड रीडर। स्टूडेंट्स के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट चॉइस रहेगा। एक और सस्ता लैपटॉप है HP Chromebook X360। ये 30,000 में मिल जाएगा और बेस्ट रहेगा जिनको सिर्फ सर्फिंग का काम रहता है, यानी बस ब्राउजिंग का काम। ऑनलाइन अर्निंग्स वाले ऐसा ही लैपटॉप ढूंढते रहते हैं। दोस्तों इस लैपटॉप में टच स्क्रीन है और इसको टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, फोल्ड हो जाएगा और यूज करने के लिए स्टाइलस पेन भी साथ में मिलेगा। इसमें गूगल का बनाया OS है, तो क्रोम ब्राउजर ही मेनली सारे काम करके देता है। चाहे फिर ऑनलाइन एक्टिव रहना हो या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना हो, सब काम इस लैपटॉप में हो जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इस प्राइस में 8GB रैम तो नहीं मिलने वाली, लेकिन आप चाहें तो 8GB रैम बाय करके खुद से इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, वारंटी वॉइड नहीं होगी। चीपेस्ट 8GB रैम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस क्रोमबुक के अलावा मेरे लिस्ट में बताए सभी लैपटॉप्स में विंडोज 10 मिल जाएगा MS Office के साथ, और लेटेस्ट विंडोज 11 भी सभी में अपडेट हो जाएगा। एक बात और बता दूं कि 30,000 के नीचे के लैपटॉप्स लेने का कोई फायदा नहीं है, कुछ पैसे और सेव कर लो, बार बार थोड़ी लैपटॉप लिया जाता है। वैसे गाइस MI नोटबुक 14 Horizon आजकल आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं तो इसे तो मैं लिस्ट में जरूर डालता। नजरें जमाए रखिए, क्या पता फिर अवेलेबल हो जाए। आई होप मैंने सब बातें इस वीडियो में कवर कर दी होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये न्यू स्टाइल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही काम के गैजेट्स देखते रहो। बाय बाय।